सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो देख ही सकते हो आप किन दो बाइकों में, निंजा 300 वर्सेस आरसी 390। और ये डुअल सिलेंडर बाइक है, ये सिंगल सिलेंडर बाइक है, बट सिंगल सिलेंडर में जो फाड़ू परफॉर्मेंस ये देती है ना, वो डुअल सिलेंडर को भी टक्कर देने वाली परफॉर्मेंस है, आप तो जानते ही हो, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट ये सिर्फ 300 cc की बाइक है और इनके पास दो सिलेंडर हैं यार, लेकिन देखते हैं कि दोनों की बैटल में क्या खतरनाक परफॉर्मेंस होने वाली है और कौन सी बाइक होने वाली विनर। तो मेरा वेट 75 kg और शुभम का वेट जो है वो है 64 kg, तो अराउंड 11 किलो का अंतर है। तो 11 किलो मतलब अगर किसी बाइक पे ज़्यादा हम लाद देंगे तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा, ये तो जाहिर सी बात है। बट फिर भी आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी बाइक ज़्यादा फास्ट है। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये बैटल। आज तुम्हें मैं पटकूंगा धर धर के, मुझे तुम्हें मुझे। मेरे पास आरसी 390 है, मेरे पास निंजा है। निंजा क्या कर लोगे निंजा लेके? साकी निंजा। अरे तो कौन तो साकी साकी करोगे क्या? और क्या? साकी साकी। हाँ दिखाते हैं तुम्हें हम। डुअल सिलेंडर है भैया। तो क्या हुआ, बांध रखे एक एचपी का, एक भारत का। हमारे पास एक सिलेंडर है और हमारा खुद का है, चले चले। क्या बात है, देख रहे हो ना भाई? ना देख रहे हो तो एक बार बैक करके फिर से देख लो।
रहा है, तो मैं रोक ले रहा हूँ यहाँ पे। निंजा विनर होती है क्योंकि मेरा जो लिमिटर है वो 78 के बाद हिट कर रहा है, उसकी टॉप एंड वही है, तो 78 के बाद जाहिर सी बात है जाएगी नहीं, और इतना बुरा हिट कर रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे जा रहा हूँ। तो आरसी की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे निंजा विनर होती। अभी हम करेंगे राइडर स्विच, और राइडर स्विच करके एक बैटल और करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट होने वाले हैं। तो वो बहुत ज़्यादा आगे भाग गया है, चचा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चचा रुक जाओ, चचा जीत गए हो। तो राइडर स्विच हो गए हैं, अभी मैं चलाऊंगा निंजा और ये चलाएंगे RC 390। आओ इधर, अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट होने वाले हैं। वेट का असर अब इस पर आएगा, बट उसका लिमिटर जो है 178 पे हिट कर जाता है और बहुत बुरा पीछे फेंक देती है वो। निकलना नामुमकिन सा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप मेंटेन हो गया है, और इधर से विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है तो ये कवर ही नहीं कर पा रही है। तो एक तीसरी बैटल मैं करके देखूंगा उधर से कि क्या विंड ब्लास्ट सही में असर कर रहा है, क्योंकि उधर ये चीज़ें डिफरेंट वे में होने लगेंगी जैसे ही विंड ब्लास्ट का प्रेशर पड़ेगा। तो आप लोगों ने शुभम के साथ सारे रिजल्ट देख लिए, तो इस बार राइडर थोड़े से स्विच करिए हमने, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही अनफेयर से लग रहे थे वेट की वजह से। यहाँ भी अनफेयर होंगे लेकिन थोड़ा सा आपको और अंदाज़ा हो जाएगा, यहाँ इनका वेट ज़्यादा है तो इनके पास आरसी है, और मैं चलाने जा रहा हूँ निंजा 300। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या होते हैं। थोड़ा सा लॉन्च गड़बड़ अभी से उसका, बहुत ही अच्छा विंड वो है, बहुत तगड़ी एयर है, क्योंकि उसका लिमिटर आ रहा है। बस यही बताना चाह रहा था मैं आप लोगों से। काफी अच्छा गोपअप कराया, बट यही चीज मैं बता रहा था
व्लॉग में कि जैसे बीच में इसका लिमिटर आया था तो बहुत ज़्यादा पीछे हो गए और फिर ये आगे निकल गई, ठीक है। फिर हल्का सा अप डाउन करना पड़ा जिसकी वजह से हम लोग आपस में अगल बगल आ गए थे। बट इधर से जब इसको विंड का फ़ायदा मिलता है तो ये आगे निकल जाती है, बट इनिशियल उसका बहुत अच्छा है। और उधर से यही काम नहीं हो पा रहा था इससे कि उधर से ये पीछे रह जा रही थी, इधर से इसको विंड का सपोर्ट इस साइड मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा भाग रही है, 181-182 चली जा रही है। तो आप लोगों ने देख ही लिया, जो क्लियर विनर है अकॉर्डिंग टू मी वो आरसी है, क्योंकि विंड ब्लास्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और बाकी इधर से 19-20 का अंतर रह जाता है, तो मैं आरसी को ही विनर घोषित करूंगा। बाकी आप लोग जिसको चाहो मान सकते हो, दोनों बाइक बहुत ही क्लोज रह रही हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो, और भाई का दूसरा चैनल है लीगल बंजारा ट्रैवल व्लॉग्स आते हैं उसको भी सपोर्ट करो, अपना प्यार दो, नए नए व्लॉग्स आ रहे हैं केदारनाथ के उसको देखो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो अपने बाइक को, फोटोज अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।